का बुकलेट मिला जी? नहीं मिला है तो नहीं बोल देना था। ओके ठीक है, कल भिजवा दूंगा। तो वेक्टर्स में कल क्या-क्या पढ़े थे बोलो। इक्वेशन फॉर्मूला तक हो गया था। क्या सेक्शन फॉर्मूला बताए थे? सेक्शन फॉर्मूला में वही 2D का कॉन्सेप्ट लगता है। इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवीजन होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवीजन। कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होता है? तो ये जो इसका प्रूविंग होता है, प्रूफ होता है जो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर वेक्टर, इसी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या बताए थे कि दो पोजीशन वेक्टर होता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ठीक है, इसको यहाँ पे सी वेक्टर आ गया है। जो भी है वेक्टर्स, या ए बी एंड सी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पीवी मीन्स पोजीशन वेक्टर, एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे इंटरनली दिख रहा है, तो सी वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम इंटू बी वेक्टर अब प्लस एन इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। इसका प्रूफ बता दिए थे कि क्या होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन में वेक्टर लिख लो, और क्या करना है, अगर इक्वलिटी एम इज टू एन में है तो एम बाई एन, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ये वेक्टर का रेशियो लोगे, सेकंड में इस वेक्टर का लोगे। अदरवाइज क्या करोगे, जस्ट अपोजिट वाले मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे अपोजिट वाले में तो आ जाएगा। क्या लगता है, लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो अगर इजी है तो। क्या करना, उसके रेशियो से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे बताए थे कि दोनों को सेम डायरेक्शन में बट वेक्टर लेना है, तो सेम वेक्टर में लोगे तो सपोज इस पॉइंट को कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी और कैपिटल सी, तो एक वेक्टर लिखना है सेम डायरेक्शन में लिखोगे तो ए सी वेक्टर लिखोगे, एंड क्या लिखना है यहाँ पे, सी वी वेक्टर, सी वी वेक्टर। ठीक है, अगर यूनिट वेक्टर में इसको रिड्यूस करोगे मींस उसके क्या करना है, जो मैग्नीट्यूड रेशियो है उसके डिवाइड कर दो बेसिकली यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू क्या करना, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई एन। और इसी को लिख सकते हो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी माइनस सी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू एम इज टू एन। ठीक है, यहाँ से इसको प्रूफ कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, सी का वैल्यू ले आना, तो वहां से आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे फाइंड करके बताना, जो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आता है वो भी लिख देता हूँ फॉर्मूला। यहाँ पे सी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो समटाइम्स क्या होगा, हेल्पफुल होगा, बट कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। ये टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो क्या रहेगा, एम, और यहाँ पे इसका वैल्यू एन, क्योंकि पी पॉइंट ये है ए बी, और इसको पी पॉइंट मानो, ये वेरिएबल पॉइंट है। मींस इसका वैल्यू फाइंड करना है, सी का पोजीशन वेक्टर, फाइंडिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो फॉर्मूला होता है वो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बताया थे, जैसे वहां पे 2D में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, जस्ट एक मिनट वेट करना।
सॉरी ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सी वेक्टर जैसे 2D में यूज करते थे, ये पी होता था ए एंड यहाँ पे बी, एम और ये एन होता था, एक्स वन वाई वन इस पॉइंट का, एक्स टू वाई टू, ठीक है, एक्स वाई, तो क्या लिखते थे वहां पे, सिंपली बोले थे कि अगर ये पॉइंट क्या कर रहे हो, एन लिख रहे हो, तो एन को क्या करना है, इसके जस्ट अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो किससे हो जाएगा, एन इंटू एक्स वन, अब एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस आना चाहिए, तो एम इंटू क्या हो जाएगा, बाई डिफॉल्ट एक्स टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन माइनस एम, यहाँ पे एम निगेटिव में है तो एम निगेटिव में रखना, तो ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल डिवीजन का, इसी को लिखा जाता है एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, इस तरह से फॉर्मूला याद किए होंगे, एम माइनस एन, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा, यहाँ भी वैसे ही होगा कि एन वैल्यू आया है, एन का पोजीशन वेक्टर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एन इंटू पोजीशन वेक्टर ए माइनस आ जाएगा, एम इंटू पोजीशन वेक्टर बी डिवाइडेड बाई एन माइनस एम, और इसी को लिख सकते हो सी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर, एम और एन से मल्टीप्लाई होकर के उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है, स्केलर क्वांटिटी किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो एम माइनस एन, इस तरह से याद रखोगे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। अब बताओ क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस आर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ट्राई करो तो आंसर बताओ, और इसको याद भी रखना है, नोट में ही लिखा देता हूं, क्वेश्चंस है बट इसको याद करना ही है, क्या आएगा बताओ, बोलो बताओ जी, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी, जो पोजीशन वेक्टर सेंट्रोइड का आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, अगर ये जी इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई थ्री, वैसे ही एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री वाई क्या होगा, थ्री, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको याद रखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है, पोजीशन वेक्टर होगा तो क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई थ्री, अगर पी वेक्टर के रिस्पेक्ट में है, समटाइम्स ओरिजिन नहीं रहा, पी के रिस्पेक्ट में किया गया है तो वो पूरा लेना, वहां से पी के रिस्पेक्ट में करना, अगर इसको ए वर्टिसेस ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो उस तरह से ही याद रखना है सर। हाँ सर, इसमें जितना कॉन्सेप्ट है सब स्ट्रेट लाइन से मींस सिमिलर है, केवल रिलेट करने के, हाँ हाँ आगे जाओगे तो और भी इजी हो जाएगा, 3D से रिलेट कर सकते हो। यस सर, वो जस्ट रिलेट करके याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बोलो ये आ जाएगा, देखो क्या कितना सिंपल है, इसमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला को ही यूज करना है, सपोज ये तो पता है कि अगर ये सेंट्रोइड होता है तो वर्टेक्स से सेंट्रोइड एंड ये सेंट्रोइड से जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है साइड के, वो 2:1 क्या होता है, 1 में डिवाइड करता है, राइट, तो 2:1 में वो डिवाइड किया, और ये जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, इस पॉइंट का ये पॉइंट है, जो ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी,
बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, ठीक ना, बी सी अगर साइड लेते हैं तो ये बी एंड सी पॉइंट भी दोगे तो उसका मिड पॉइंट होगा, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सेंट्रोइड। तो अब ये देखना फॉर्मूला लगा देंगे, हाँ सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ भी सेक्शन फॉर्मूला लगा मिड पॉइंट वाले कि m is equal to n होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 1:1 में, तो ये भी क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला ही। यहाँ पे अगर इसको g रखते हो, ये 2 और ये 1, तो वेक्टर यहाँ पे a हो जाएगा, और ये वेक्टर को b plus c वेक्टर divided by 2 लिख सकते हो, तो अब g का वैल्यू आ जाएगा, देखो v वेक्टर plus c वेक्टर by 2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, नहीं समझ में आया, तो जी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3, तो ये ध्यान में रखना है जो प्रोसेस। अब देखो टेट्राहेड्रॉन रहेगा तो ठीक है, टेट्राहेड्रॉन ही लिखो। अब इसमें बताओ अगर पोजीशन वेक्टर टेट्राहेड्रॉन मींस 3 साइड्स हैं, टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़े होगे ना केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर जो होता है sp3 का क्या होता है जी, पढ़े हो? यस सर, होता है। यहाँ पे एक 4 वर्टिसेस हो गया, सपोज ये है जो, सॉरी ए बी सी और ये क्या हो गया डी, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन ये क्या हो जाएगा 2:1, ये ध्यान रखना, ये 2:1 में डिवाइड करता है, एंड जो सेंट्रोइड होता है अगर यहां से क्या करेंगे इस पॉइंट को मीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेंट्रोइड ऑफ टेट्रा, ये 3:1 में, ठीक है 3:1, ये ध्यान में रखना, 2:1 यहाँ पे होगा तो 2:1 करके इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लोगे, देन 3:1 अगर 3:1 लेना ये क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, और ये अगर इसको पी पॉइंट लेते हैं तो फाइनली जो आएगा डी वेक्टर का, ये डी वेक्टर ले लो पोजीशन वेक्टर, सी का सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ले लो, बी पॉइंट है इस वाले का तो क्या करना है बी पोजीशन वेक्टर ले लेना है, ए पॉइंट का ए पोजीशन वेक्टर लेना है, तो जो टेट्राहेड्रॉन का आएगा वो सेंट्रोइड का अगर पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 आएगा। देखो सॉल्व करके देख लेना, ये ध्यान में रखना कि 3:1 होता है, जो वर्टिसेस ऊपर में रखे हैं ये क्या होगा 3D में होगा, 3D डायग्राम, तो एक ट्रायंगल क्या करना है प्लेन में रखना है, सेकंड उसके ऊपर रखेंगे और उसको क्या करेंगे तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे वर्टिसेस क्या होगा, एक वर्टिसेस से अगले का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, फिर जो लेफ्ट बच गए हैं वर्टिसेस वहां से उसके जो सेंट्रोइड आएंगे, मीन्स ये क्या है प्लेन वाले का जो बेस है, जो बेस ट्रायंगल बन रहा है उसका सेंट्रोइड है, देन वर्टिसेस से ज्वाइन करेंगे तो 3:1 में सेंट्रोइड जो टेट्राहेड्रॉन का होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, तो 3:1 वो ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है 3:1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर, 2:1 ये ध्यान में रखना है,
और यहाँ तो सबका सेंट्रोइड मिलाएंगे तो फिर वो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड आएगा, यही ना? हाँ एग्जैक्ट. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3:1 में ध्यान रखना, ठीक है, 3:1 ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेट करके याद रखना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना. अब देखो कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा कि नोट में लिख लेना, जैसे ए वेक्टर का अगर मॉडुलस का स्क्वायर दे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर, ठीक है, इस तरह से अगर ए वी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ए वी वेक्टर डॉट ए वी वेक्टर, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ये क्या है, अगर ए डॉट बी लिखते हैं इसको पढ़ा जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए एंड बी नहीं बोलेंगे यहां पे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट, और ये ध्यान रखना है आई डॉट आई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 जे कैप आई कैप जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, जो यूज होगा, हालांकि ये बाद में डिस्कस करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, कॉस थीटा, ये दो नहीं, इसको अब ये ध्यान में रखना कि कॉस थीटा जो होगा, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जब भी लिखा हुआ राइट साइड में देखोगे ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, और ये कॉस थीटा तो वैल्यू ही आएगा, तो ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है, तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखना, अगर यहीं से लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो सिंपली इस तरह से लिख देता हूँ, cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकता है, इट कैन बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा का बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है तो क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करना है. चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, देखो कोप्लेनर वेक्टर के केस में क्या बताए थे, अगर दो वेक्टर्स के बारे में बोलेगा तो ऑलवेज क्या होगा, कोप्लेनर होगा, थ्री वेक्टर्स में प्रॉब्लम आ सकता है कि कोप्लेनर हो सकते हैं
और कोप्लेनर नहीं हो सकता है। तो थ्री वेक्टर में अगर कोप्लेनरिटी देखते हैं तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी। कोलिनियर वेक्टर, दो वेक्टर के बारे में देखेंगे तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर है थ्री वेक्टर्स या इससे ज्यादा में देखेंगे, एक कंडीशन होता है ट्रायंगल फॉर्म करके कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। कोलिनियरिटी में क्या होगा, एंटी मींस पैरेलल भी आ सकता है एंटी पैरेलल भी, लाइक और अलाइक वेक्टर दोनों आ जाते हैं ए एंड वेक्टर बी। तो ऑलवेज जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है, कंडीशन जो आएगा वो हमेशा ध्यान रखना है वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर क्या होना चाहिए पैरेलल, इसके केस में, इसके केस में ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर, और इसमें क्या होगा कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे लाइक और अलाइक, मीन्स इस तरह से वेक्टर होंगे और इस तरह से। तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके क्या किया जाता है, इक्वलाइज किया जाता है दोनों को, मीन्स इक्वल वेक्टर बनाया जाता है। पैरेलल रहेंगे तो शिफ्ट कर सकते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा लेंथ वाइज क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पता है, जो वेक्टर्स में पैरेललोग्राम जो लॉ होते हैं पता है जी, बोलो। यस सर, अगर दो वेक्टर्स इंड टू इंड जॉइंट है तो फिर उसका रिजल्टेंट वेक्टर आपका उन दोनों के बीच में आएगा एंगल इक्वली डिवाइडेड। इसमें बोला जाता है कि अगर टू वेक्टर्स है जो किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं तो ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्या उससे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हुआ, इस पे दो वेक्टर्स किसी तरह से लग सकते हैं तो उससे क्या करेंगे एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। ठीक है, ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर होगा तो इससे क्या करना है एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। तो बी वेक्टर के पैरेलल में यहाँ पे एक वेक्टर, मींस इसी वेक्टर को सोचो कि ये पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, ये बी वेक्टर हो गया और ए वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलली इस तरह से आएगा, ये क्या हो गया पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ। इसका क्या आएगा, दो डायगोनल्स आएंगे, ठीक है दो डायगोनल्स आया। अब देखो इसी को क्या बोला जाता है, डायगोनल्स जो आया वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, डायगोनल्स क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें लिख लो कुछ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट adjacent sides of parallelogram then resultant of vectors A and B is represented by
diagonals of parallelogram. बट इसको क्या करना है, बस सिंपली इतना याद रखना है कि दो वेक्टर है जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो उसको उसके हेल्प से क्या करना है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना है, जो डायगोनल आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करेगा और रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर ये ओ पॉइंट हो गया ए, इसको बी एंड सी बोला जाए, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जो वेक्टर ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर. पैरेलली शिफ्ट किए हैं तो ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको आर वेक्टर बी बोल सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए हो जाएगा प्लस वेक्टर बी हो जाएगा. ठीक है, अगर एक ट्रायंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये ध्यान रखना, ये भी नोट में, ए बी एंड सी वेक्टर ए, ठीक है, ये क्या होगा, एरो है जो पॉइंटिंग एक दूसरे के टू क्या है, अवे है. तो ए टू बी अगर यहां पे देखेंगे साइड्स वेक्टर, ये ए हो गया वेक्टर बी हो गया और ये क्या हो गया वेक्टर सी. तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर, अगर ये साइक्लिक फॉर्म कर रहा है किसी भी पॉलिनोमियल्स इवन रहे, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे पॉलीगॉन्स भी रहे हैं, यहाँ पे थ्री वर्टिसेस हैं, मींस एन वर्ट थ्री साइड्स हैं, अगर एन साइड्स भी आ जाएगा यहाँ पे और क्या होगा, एक क्लोज लूप फॉर्म करेंगे, तो सारे वेक्टर का सम अगर करोगे तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. यहाँ पे इस तरह के अगर कोई है वेक्टर, अगर इस तरह से भी फॉर्म हो रहा है, ओ ए बी सी डी ई, ठीक है, अगर इस तरह से फॉर्म कर रहा है, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको डायरेक्शन वन डायरेक्शन में करके क्या करना है, नेगेटिव करके और ऐड कर देना है, सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, डायरेक्शन सिर्फ चेंज नहीं करना है, प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई ओ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. अगर एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है साइड्स का, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इवन यहाँ पे रिजल्टेंट के फॉर्म में लिख सकता था, ट्रायंगल में जो लिखे थे, यहाँ देखो ए वेक्टर इसको डिनोट किए थे, बी वेक्टर हो गया एंड ये सी वेक्टर हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे अगर इसका डायरेक्शन चेंज करते हो तो माइनस ये सी वेक्टर होगा. डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, ये रिजल्टेंट फॉर्म होगा. हमेशा रिजल्टेंट जो फॉर्म होता है, इस तरह से ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या हो गया, इसका इनिशियल हो गया, यहाँ टर्मिनेटिंग हो गया, देन जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है एक वेक्टर और क्या होगा, वहां पे जस्ट एक्ट हो रहा है. तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वाले के इनिशियल को और सेकेंड वाले को टर्मिनेटिंग जो पॉइंट आएगा उसको ज्वाइन करेगा. तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट हो गया आर, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट के इनिशियल पॉइंट एंड सेकंड वेक्टर के टर्मिनेटिंग पॉइंट को ज्वाइन करता है. वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, ये ध्यान में रखना.
तो ट्रायंगल के केस में अगर डायरेक्शन चेंज करते हो तो यहाँ पे भी देखो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर। अगर माइनस सी को राइट साइड ले आओगे तो ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ये सब आना चाहिए चेंजेज, कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है, ये सब यूज किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो पैरेललोग्राम के केस में फिजिक्स में पढ़े होगे तो ये टर्म्स बताना, कुछ क्वेश्चंस इसके बाद करवा दूंगा। एक मिनट, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा, एरो दिखाना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे देखो अगर ये टीटा है तो टैन टीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, देन अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है तो रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बताओ जल्दी से, फिजिक्स में भी पढ़े होगे। हेलो, क्या होगा जी, tan थीटा इज इक्वल टू सर, tan थीटा इक्वल टू b sin 2 थीटा, नहीं b वेक्टर sin 2 थीटा / a वेक्टर प्लस b वेक्टर cos 2 थीटा। एक मिनट देखो, tan थीटा इज इक्वल टू b वेक्टर sin 2 थीटा / b वेक्टर प्लस ये एंगल b, को सपोज ये एंगल अल्फा मान लो, उसके टर्म्स में बताना, ये थीटा जो है वो रिजल्टेंट एंड a थीटा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, ठीक है, अल्फा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये ध्यान रखना, अल्फा ये टोटल एंगल हो जाएगा। चलो उसके टर्म्स में tan थीटा हो जाएगा सर b sin अल्फा बाय a प्लस b cos अल्फा, b sin अल्फा की मॉड ऑफ b sin अल्फा, यस सर, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इनटू sin अल्फा डिवाइडेड बाय a वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर cos अल्फा, b वेक्टर cos अल्फा इन टर्म्स ऑफ अल्फा के फॉर्म में tan थीटा, देन रिजल्टेंट वेक्टर बताओ का मैग्नीट्यूड, बुक्स में देखोगे सी वेक्टर उसको लिखेगा, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू बोलो क्या लिखोगे, सर इसमें तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो क्या आते हैं ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी कॉस अल्फा का मैग्नीट्यूड और उसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मतलब कि साइड साइड का ना क्या आएगा बताओ तो सर, निकालना इन टर्म्स ऑफ अल्फा ही आएगा, देखो तो ये आया, ये याद रखना है रिजल्ट, ये फिजिक्स में भी मेरे ख्याल से पढ़ना है, ये यूज करना है, सेकंड वाला रिजल्ट कैसे आएगा तो यहां ध्यान रखना, आएगा देखो
पैरेललोग्राम बढ़िया से नहीं बना है वो ध्यान में रखना। देखो ये अल्फा हो गया, ये भी एंगल क्या हो जाएगा जी, अल्फा होगा, ठीक है। ये तो टेंथ में पढ़े हो गए, नाइन्थ में पढ़ना था ना, नाइन्थ में मेरे ख्याल से पढ़ना होगा, ठीक है। वेक्टर ये ए है, वेक्टर बी है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर वेक्टर। अब देखो अगर ओ ए बी सी दे रहे हो, इसको डी मानो, तो इन ट्राइंगल ओ डी बी, सॉरी ओ डी बी क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, राइट होगा, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, यस सर, दिक्कत नहीं ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ कंस्ट्रक्ट किया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, तो OB जो है वो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर इज इक्वल टू OA को लिख सकते हैं क्या, OA जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी OA नहीं OD होगा, यहाँ पे OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो OD को लिख सकते हैं क्या OA प्लस AD, OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस AD का जो वैल्यू आएगा, AD इज इक्वल टू बताओ इस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में मैग्नीट्यूड ऑफ B cos अल्फा, और ये जो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B sin अल्फा, राइट। AVD राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें साइड्स देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ B हो जाएगा, ये अल्फा दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर वहां से फाइंड आउट कर लोगे एंड बेस फाइंड करोगे, तो बेस का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ B cos अल्फा आएगा और परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड ऑफ B sin अल्फा आएगा, तो AD का जो वैल्यू लिखोगे वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos अल्फा, ये वैल्यू आ गया। यहाँ पे अगर पुट करके देखोगे कुछ कॉमन आएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B cos अल्फा का होल स्क्वायर, यही आएगा ना जी, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B sin अल्फा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 into magnitude of vector A into magnitude of vector B cos alpha plus magnitude of B vector ka square sin square alpha। अब ये term और ये term क्या होगा, साथ में चला जाएगा, magnitude of vector B का common लेंगे, this is equal to magnitude of vector A का square plus magnitude of vector B का square cos square alpha plus sin square alpha, this is equal to 1 हो जाएगा, plus 2 magnitude of vector A into magnitude of vector B, क्या हो जाएगा cos alpha, this is equal to, यहाँ पे जो आएगा उसका value 1 हो जाएगा, तो finally जो लिखेंगे magnitude of resultant vector का square, this is equal to magnitude of vector A का square plus magnitude of vector B का square प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos अल्फा। अब ये स्क्वायर है तो क्या होगा, रिजल्टेंट भी है, स्क्वायर रूट में चला जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, स्टिल पॉजिटिव होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा रिजल्टेंट का, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos अल्फा, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में, अल्फा जो है वो एंगल बिटवीन क्या बोले थे, वेक्टर A एंड वेक्टर B, कोई दिक्कत नहीं ना जी,
तो साइड्स और एंगल दिया हुआ रहेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर एंड टाइम थीटा जो है, थीटा का वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, वो भी फाइंड कर सकते हो। रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ कितना फाइंड कर रहा है वो भी फाइंड कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट करके वो फाइंड कर लेना। आई बात समझ में? ठीक है, या अल्फा माइनस वहां पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, अल्फा दिया हुआ है तो। बोलो, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन बनाना तब तो नहीं है। ये भी नोट में लिख लेना कि अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + 3j एंड -3 के कैफ है, तो इसको वेक्टर इस तरह से भी लिखा जाता है, वेक्टर ए 2, 3, -3 जस्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा 2i + 3j, एग्जाम्पल में बता दिया हूं, एग्जाम्पल से ध्यान में रखना। वेक्टर को इस तरह से भी ट्रीट किया जाता है, और वो बताए थे कि 3 different तरीके से वेक्टर्स को डिनोट किया जाता है, और वेक्टर्स में जो वेक्टर को डिनोट किया जाता है तो क्या क्या एज्यूम किया जाता है, वेक्टर ए से, वेक्टर बी से एज्यूम किया जाता है, वेक्टर सी से एज्यूम किया जाता है, एल वेक्टर से, एम वेक्टर से, एन वेक्टर से, इस तरह से एज्यूम किया जाता है। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया, एज्यूम किया जाता है। ठीक है, ए वेक्टर एज्यूम करते हैं, बी वेक्टर एज्यूम करते हैं, सी वेक्टर एज्यूम करते हैं, एल वेक्टर एज्यूम करते हैं, एम वेक्टर एज्यूम करते हैं, एन वेक्टर एज्यूम करते हैं, और एक्स वाई जेड यहाँ पे जो आता है स्केलर क्वांटिटी आ जाता है। एक्स वाई जेड जो लेते हैं ये यहाँ पे वेक्टर के केस में स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें क्या होता है, ये सबसे वेक्टर एज्यूम करते हैं, ये ध्यान में रखना। अब देखो क्वेश्चन, इफ चेक वेदर the vectors 2, 2, 3 b -3, 3, 2 and c vector 3, 0, 4 form a triangle or not, बताओ तो form करेगा या नहीं, ये बताना है। Yes or no, दो ही option है, ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा या नहीं, कैसे चेक करेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। हाँ, ये वेक्टर ए अगर वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है तो क्या होना चाहिए, तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो फाइंड करके देखो, अगर 0 आएगा तो क्या करेगा, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, 0 नहीं आएगा तो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आ रहा है 0 जी?
बोलो। सर सम ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आएगा। नहीं, वेक्टर्स को ऐड कर देना है। मैग्नीट्यूड कभी जीरो होगा? बदमाश, नहीं नहीं मैग्नीट्यूड को जीरो ऐड करोगे तो जीरो कैसे होगा? वो तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है ऑलवेज। किसी भी वेक्टर्स का लोगे मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, सर इसमें थोड़ी 0 आएगा। तो जीरो नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? बोलेंगे कि ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो तीनों वेक्टर्स हैं वो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सर अगर ऐसा नहीं कर सकते सर, सबका एंगल निकाल के फिर सम करेंगे तो 180 डिग्री अगर आया तो फिर। नहीं, अब ऐसे नहीं किया जाता है डायरेक्टली। अभी तो बताया था ना यहाँ पे। हाँ, इसमें यस सर बताया था। अभी बताया हूँ कॉन्सेप्ट। तो ये ध्यान में रखना है, तीनों वेक्टर को ऐड करना है। तो 2i+2j+3k+ या -3i+3j+2k+3i+0j+4k। इसका फाइंड करेंगे तो कितना आ रहा है जी? 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2i+2j+3 5j+ और k में 3k 2 5k 9k+9k। तो यहाँ पे बोल सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी नॉट इक्वल टू जीरो। हेंस क्या लिखेंगे बोलो? नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल। तो ये ध्यान में रखना, छोटा छोटा पॉइंट है जो। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर्स ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड करो क्या आएगा जो। फाइंड हो जाएगा। एक तो सिंपल है ना, आर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। हालांकि टू पॉसिबल है। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज ए प्लस बी हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी ही होगा। अब देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2i+j+2k। अब यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या करोगे, इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दो। तो r यूनिट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2i+j+2k। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। 4 + 4 तो 9, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 3। 2i+j+2k। यही हो गया। पैरेलल मींस कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो पैरेलली, समझ में आया? तो ये यूनिट वेक्टर हो गया पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर।
अब देखो सेकंड में अगर इस तरह के रहेगा प्रॉब्लम कि यहां पे दिया हुआ रहेगा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो देखो एक इसका जो साइड्स आएंगे आर मींस ये वन डायगोनल हो गया, सपोज इसको आर वन वेक्टर लिखोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां पे इसको इस तरह से ज्वाइन करते हो ठीक ना, तो ध्यान रखना ए वेक्टर यहां पे है, इसको आर टू वेक्टर लिख लो और ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर, बी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से। तो अगर यहां देखोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू आर टू प्लस वेक्टर ए लिखोगे, तो यहाँ पे आर टू वेक्टर जो आएगा वो क्या आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, समझ में आया? हेलो यस सर, रिजल्टेंट होगा जी। अब देखो अगर डायगोनल्स वेक्टर समटाइम्स क्या रहेगा, डायगोनल्स वेक्टर्स दिए हुए रहेंगे तो एडजेसेंट वेक्टर क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा, तो एक क्वेश्चन लिख लो इफ इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल वेक्टर्स आर ए सी टू कॉमा थ्री कॉमा फोर एंड बी डी वेक्टर माइनस सिक्स कॉमा सेवन कॉमा माइनस टू, देन फाइंड द एडजेसेंट वेक्टर ए बी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, फाइंड करो ए बी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, फाइंड करके आंसर बताओ। एसी वेक्टर दिया हुआ है, एंड बी डी वेक्टर, तो क्या करना है ए बी वेक्टर क्या होगा एंड ए डी वेक्टर क्या होगा बताओ। क्या होगा जी बताएगा, सर बना रहे हैं एक मिनट। हाँ बनाओ आंसर बताओ क्या होगा, क्योंकि थ्योरी बता दिया हूं। बोलो डायगोनल वेक्टर्स दे दिया है, एडजेसेंट वेक्टर्स पूछ रहा है, क्वेश्चंस में पहले क्या था कि एडजेसेंट वेक्टर्स दे दिया रहता था और डायगोनल्स वेक्टर पूछा जाता था। सर बीसी वेक्टर में सॉरी सर एडी वेक्टर हो जाएगा आपका माइनस टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस के कैप। अच्छा एडी वेक्टर बताया ना, यस सर ऑप्शन के अनुसार तो ये गलत बता रहा है।
यहां से देखो सर, एवी वेक्टर, हाँ सर, माइनस टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस के कैप, हाँ एग्जैक्टली एवी का वैल्यू ना माइनस टू फाइव और वन, ठीक है ये सही हो सकता है, हाँ वो सही है। वेक्टर ए इसको बोल दो और ये वेक्टर बी हो गया, तो यहाँ भी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह से दोगे वेक्टर बी हो जाएगा। यहाँ पे इसको आर वन वेक्टर बोलो और इसको आर टू वेक्टर बोलो, ठीक है। तो आर वन वेक्टर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड आर टू वेक्टर अगर लिख रहे हो, देखो आर टू वेक्टर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि देखो यूज करोगे ट्राइंगल, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, नहीं तो इस तरह से लिखो, डायरेक्टली लिखूंगा तो दिक्कत होगा। इन ट्राइंगल ए बी डी में, तो इसमें ध्यान देना, डायरेक्शन दिखा दे रहा हूं, तो रिजल्टेंट ये बी वेक्टर है, ये आर टू हो गया और ये ए वेक्टर हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा बी वेक्टर ये रिजल्टेंट हो जाएगा, हो जाएगा बोलो, यस सर। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर, तो आर टू वेक्टर जो लिखोगे आर टू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अब आर वन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वन क्या दिया हुआ है यहाँ पे ए सी दिया हुआ है, आर वन ए सी, तो ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड आर टू क्या दिया हुआ है बी डी, तो बी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब दोनों को क्या करना है एड कर देना है, ठीक है, तो एडिंग ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स वेक्टर बी, तो ए सी अब प्लस क्या हो जाएगा बी डी, तो ए सी और बी डी को ऐड करना है, तो देखो ए सी क्या दिया हुआ है ए सी वेक्टर टू थ्री फोर, टू थ्री फोर इसका जो वैल्यू है टू थ्री फोर, इसका जो वैल्यू है माइनस सिक्स सेवन माइनस टू, देखो माइनस सिक्स सेवन माइनस टू, तो टू टाइम्स बी वेक्टर जो आएगा वो क्या हो जाएगा ऐड कर दो, तो माइनस फोर आई कैफ प्लस टेन जे कैफ माइनस ये प्लस टू के कैफ, टू से डिवाइड करोगे तो बी वेक्टर का जो वैल्यू आएगा माइनस टू आई कैफ प्लस फाइव जे कैफ प्लस के कैफ। सर हम भी तो वही बोले थे बी वेक्टर के बारे में, टीडी ना होगा बी वेक्टर सर, ओके माइनस टू फाइव वन, अच्छा यही बोला था एवी का तुम बता रहा था, ठीक है एवी वेक्टर ये आएगा ना सर, एबी वेक्टर की एडी वेक्टर आएगा, बी वेक्टर एडी है ना, हाँ हाँ ठीक है बी वेक्टर एडी है, तो यहाँ कौन सा आया बी वेक्टर, अच्छा एडी वेक्टर ही आएगा ना, सॉरी ये एडी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है तो एबी वेक्टर अगर फाइंड करोगे सही था, अगर ए वेक्टर फाइंड करोगे तो ए वेक्टर के लिए क्या करोगे बी वेक्टर पता चल गया, तो आर वन वेक्टर मीन्स हाँ ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वेक्टर अब प्लस क्या है बी वेक्टर, बी वेक्टर का वैल्यू माइनस टू फाइव और ये वन, और ए सी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, तो ए वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो फोर आई कैफ माइनस टू जे कैफ प्लस थ्री के कैफ, यही आएगा ना, यस सर, यस सर, ठीक है चलो ओके नेक्स्ट, ए वेक्टर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन
ट्राई करना। ये बनाओ तो पहले का ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ओके, इफ वेक्टर बी इज कोलिनियर विथ वेक्टर ए टू रूट टू माइनस वन कॉमा फोर एंड magnitude of vector b is equal to 10, then a option a vector plus minus b vector is equal to 0, b option vector a plus minus 2b vector is equal to 0, c 2a vector plus minus b vector is equal to 0, or d none। ये दिख रहा है ना वेक्टर जो लिखे हैं टू रूट टू कॉमा माइनस वन कॉमा फोर, ये ए वेक्टर दिया हुआ है। इफ ए इफ बी वेक्टर इज कोलिनियर विथ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन बना, बताना है कौन सा ऑप्शन आया फर्स्ट का, बन गया सर बी। बी पक्का? यस सर। बी या सी? बी और सी। सर सी होगा सर। सी होगा, होगा यस सर सी ही होगा। एग्जैक्टली बी क्या है, बी इज कोलिनियर विथ वेक्टर ए, तो सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हो तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए वेक्टर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, जब बाहर निकालोगे तो लैम्डा का वैल्यू मॉडुलस में ही रखना है क्योंकि मॉडुलस हम देख रहे हैं, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू, तो ये 10 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में, माइनस भी रहेगा तो क्या होगा, मॉडुलस में ले रहे हो तो माइनस टू आई माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप रहेगा तो उसका वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो लैम्डा का पॉजिटिव बनेगा कि दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो अब ए वेक्टर जो गिवन है ए वेक्टर का वैल्यू टू रूट टू माइनस वन फोर, टू रूट टू माइनस वन फोर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू टू रूट टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। देखो अगर इसमें मल्टीप्लाई भी करते हो माइनस टू से फिर भी उसका वैल्यू जो मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर का माइनस टू इंटू वेक्टर ए करोगे तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए लैम्डा को मॉडुलस के साथ बाहर किए हैं, तो ये हो जाएगा एट प्लस वन प्लस सिक्सटीन,
दिस इज इक्वल टू 5, तो ये 5 हो गया, तो मॉडुलस लैम्डा इज इक्वल टू 2, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a वेक्टर। अब देखो इसी को लिख सकते हो क्या, 2a प्लस माइनस b इज इक्वल टू 0, लिख सकते हो कि नहीं, आई बात समझ में? ऑप्शन कुछ इसी तरह से है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इसी तरह से चेंज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हुआ नहीं। सेकंड ऑप्शन भी क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई a के साथ हो रहा है, ये भी गलत हो गया। अब ये ऑप्शन करेक्ट है जी? Yes, ये वाले ये क्वेश्चन बनाओ, ये बनाओ। फाइंड करो, इसमें ऑप्शन से चेक करना है, कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। बनेगा बनेगा या नहीं? यस और नो बोलो। क्या टफ लग रहा है? फिर ट्राई करते हैं। हाँ तो ट्राई नहीं, बनाना है, अभी भी ट्राई करोगे। सिंपल प्रॉब्लम है, ऑप्शन से सिर्फ ट्राई करना है कि चेक करने का। A, B, C, B, the points with position vector 1, 1. Position vector, vector लिखे हैं तो I cap plus J cap होगा, second में I cap minus J cap होगा, and P, I cap minus Q, J cap plus R, K cap, respectively, points A, B, C are collinear, तो बोल रहे हैं कि A, B, C क्या हो जाएगा? Collinear है, तो A, B, C, ये क्या है 1, 1, 1, -1, P, -Q, R, मीन्स इसको I कैप प्लस J कैप, I कैप माइनस J कैप, इसको P, I कैप माइनस Q, J कैप प्लस R, K कैप, A, B, C हो गया, कोलिनियर है। तो क्या करोगे, एक ए बी वेक्टर फाइंड करो, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या लिखोगे, बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए, तो बताओ 1, -1, 0 हो जाएगा, देन 0 आई कैप माइनस 2k कैप, 2j कैप होगा, यस और नो? तो ए बी जो वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 2j कैप, देन अब फाइंड कर लो एसी वेक्टर, एसी वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, तो पी माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस क्यू माइनस 1 जे कैप माइनस ये प्लस आर के कैफ। अब देखो ए वी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, तो ए वी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर होगा, कोलिनियर यही बताए थे ना, तो यहां से लिख सकते हो माइनस 2j कैफ, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस 1 ये लैम्डा इनटू पी माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस क्यू माइनस 1
जे कैप प्लस आर के कैप, ठीक है। अब क्या करो, कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करोगे तो लिख सकते हो माइनस टू जे कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पी माइनस वन आई कैप प्लस लैम्डा इंटू माइनस क्यू माइनस वन जे कैप प्लस आर लैम्डा के कैप। अब देखो जो राइट साइड में है तो इसको क्या लिख सकते हो, जीरो आई कैप प्लस माइनस टू जे कैप प्लस जीरो के कैप, दिस इज इक्वल टू जो राइट साइड में आ रहा है। तो देखो आई जे के को लीनियर वेक्टर नहीं है, वो तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आई कैप क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, और के कैफ है जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो आई प्लस जे प्लस के अगर इस तरह से भी लिखेगा या इसमें कुछ माइनस टू कर दे या माइनस थ्री कर दे, कभी भी इसका वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकता है। तो क्या करना है, कंपेयर करना है लेफ्ट एंड राइट साइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू पी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या होगा वन हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, लैम्डा माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस वन, ठीक है। देन नेक्स्ट आर इज इक्वल टू जीरो, आर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो आर इज इक्वल टू जीरो। देखो आर इज इक्वल टू जीरो और पी इज इक्वल टू वन, यहाँ पे क्यू का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, मीन्स डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कि किसमें p इज इक्वल टू वन है और r इज इक्वल टू जीरो है। तो p इज इक्वल टू वन और r इज इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन होगा नहीं। p इज इक्वल टू वन r इज इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। p इज इक्वल टू q दे दिया है टू, तो टू तो होगा नहीं, p का वैल्यू वन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही p इज इक्वल टू वन है, r इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स q इज इक्वल टू टू हो सकता है। आई बस समझ में, टू हो सकता है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करने आना भी चाहिए। आए समझ में आया या नहीं? यस सर, आ गया सर। चलो एक जेई मेन का प्रॉब्लम है, आगे जाओगे तो जेई एडवांस का भी प्रॉब्लम करवाऊंगा। ये ट्राई करो, वेक्टर लास्ट प्रॉब्लम ए बी इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर के कैप एंड ए सी वेक्टर इज इक्वल टू फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, बताओ तो कितना होगा। ऑप्शन भी दे देता हूं, ए ऑप्शन स्क्वायर रूट 288, बी ऑप्शन स्क्वायर रूट 18, सी ऑप्शन स्क्वायर रूट 72, डी स्क्वायर रूट 33। बनेगा
बनेगा या नहीं? उस टाइम ए आई ट्रिपल ही बोला जाता था। बनेगा जी, ये सुनो, वेक्टर ए बी 3i cap + 4j cap एंड वेक्टर ए सी 5i cap ओके माइनस यहाँ दे दो 2j cap + 4k cap आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए ईच, बताओ क्या होगा? सर अंडर रूट 33। हाँ अंडर रूट 33 आएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसे नहीं बनना है वो ट्राई कर लेना, आंसर स्क्वायर रूट 33 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में रेस्ट डिस्कस करूंगा। किसी को कुछ पूछना है अब तक? ऐसे ये क्वेश्चन ट्राई करना जिससे नहीं बनता है वो। एक पॉइंट और भी ध्यान रखना कि अगर पोजीशन वेक्टर ए बी और सी पोजीशन वेक्टर है, तो अगर सी वेक्टर को बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स थीटा और ये थीटा, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर ये वाले पॉइंट फाइंड करना रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, किसी को पता है? बोलो तो क्या नहीं सुने? इसमें क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो एंगल बाइसेक्टर या सिंपली बोलेगा कि फाइंड द वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल सी, विच बाइसेक्ट द एंगल सी, या बोल सकता है कि फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी विच, ओके इस तरह से इसको डी बोल दो, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, और ये लाइन जो है सीडी लाइन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अब समझ में आया? यस सर। एंगल सी या इसको ए सी बी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, बताओ कॉन्सेप्ट, सिर्फ बताओ क्या होगा इसमें, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्या करेंगे इसमें? पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डी का भी पूछ सकता है, और क्या बोल सकता है कि सीडी का वेक्टर फाइंड करो, सीडी वेक्टर फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे? बोलो सर, ये पैरेललोग्राम वाला से नहीं फाइंड कर सकते? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देना, देखो रेशियो फाइंड करना है, ट्रायंगल में पढ़े होगे कि अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है, मींस ये एंगल बाइसेक्टर है, तो देखो क्या होता है, अगर एम इज टू एन लिखते हो ए बी सी और ये डी, ठीक है, तो ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी बाई बी सी, पढ़े हो जी, टेंथ में पढ़ना था, ये स्ट्रेट लाइन में भी यूज किया गया होगा, ठीक है, पढ़े हो, याद है? यस सर, यस सर, सिमिलर, पढ़े हो ना? हाँ यस सर, सिमिलर, ये नाइन्थ और टेंथ में ये करना है,
ये प्रूफिंग करना रहता है, प्रूफ करना रहता है ना, ये थ्योरम हाँ. है. Yes, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए डी बाई बी डी आ जाएगा, एम बाई एन इज इक्वल टू ए सी बाई क्या हो जाएगा बी सी. अब क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे. आई बात समझ में, एम इज टू एन आ गया, ये रेशियो आ गया डायरेक्टली. ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ए सी लिखे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एम बाई एन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर. यहां से फाइंड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, m is to n आ जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर A है और इसका पोजीशन वेक्टर B है. अब क्या करेंगे, यूज सेक्शन फॉर्मूला. नहीं समझ में आया, ये ध्यान रखना, ये भी यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट. चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अब तक कुछ पूछना है नहीं ना, बोलो. बहुत सारा पढ़ा दिए हैं, होमवर्क नहीं है सर, बहुत नहीं है होमवर्क. होमवर्क में एक बार देते हैं, उसमें जब बुकलेट डालूंगा तो उसमें लिख दूंगा. कब है नेक्स्ट क्लास, शायद कल. कल बुकलेट, कल बुकलेट पोस्ट. ठीक है, तो कल ही होमवर्क देंगे, कल बुकलेट पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, या बोल दूंगा पोस्ट करने के लिए. ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट.